पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमलावर हो गए। उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोलते हुए कहा कि ईडी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, क्राइम करने वाला इतनी बारात लेकर जाता हो ऐसा मुझे लगता नहीं। राहुल गांधी ये एक नाटक ना करें, लोगों के मन को भटकाने का काम ना करें। 50 लाख में 90 करोड़ का फायदा लिया है तो ईडी को जवाब तो देना ही होगा। इस दौरान उन्होंने तौकीर रजा के द्वारा जुम्मे को किए गए आह्वान पर बोलते हुए तौकीर रजा हो या फिर कोई और, इस तरह करने से समाज में सिर्फ टकराव होता है, लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कानपुर मामले में आई जांच पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और वो अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जफर इस्लाम मुरादाबाद पहुंचने पर केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसमें पत्रकारों के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने 8 साल सरकार के पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया, पीएम मोदी की जो कोशिश रही उसमें मोदी सरकार कामयाब रही। साथ ही कहा कि दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होता है, भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, जिसने कोविड के दौरान देश के साथ साथ अन्य देशों को भी दवाइयां उपलब्ध कराई और मदद की। जफर इस्लाम ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के 3 देशों में गिना जाने वाला देश होगा, साथ ही P5 में भी भारत बहुत जल्द शामिल होगा। कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप ईडी किसको बुलाते हैं जो क्राइम करता हो, क्राइम करने वाला इतनी बारात लेके जाता है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं था। और हमने पहले सोचा शायद शादी का बारात हो, शायद अभी वो इस लायक है कि शादी कर सकते हैं, तो वो भी वो बात भी नहीं थी। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं नाटक है और समझता है, लोग समझते हैं कि कितना भी कोशिश कर लीजिए आप क्राइम करके लोगों को मन भटकाने का, सरकार अपना बिना भेदभाव के काम करे, एजेंसी अपने इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करे, उनके पास दस्तावेज हैं, एविडेंस हैं, पूछताछ से और एविडेंस मिलेंगे। जो अगर आपने महज 50 लाख में 90 करोड़ का लोन आपने कन्वर्ट कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होगी, और उसके शेयर होल्डर अगर आप बने हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि इसके शेयर होल्डर आप क्यों बने हैं, बेनिफिशियरीज में आपका नाम क्यों है, जबकि ये आपका नाम नहीं होना चाहिए। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है आपने महज 50 लाख में ले ली, इसका जवाब तो देना ही। तो फिर आप यूपी में तौकीर रजा से नाम जैसे नाम है, अगले फ्राइडे में फिर उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया है कि प्रदर्शन करेंगे, किस तरह का मैसेज है, क्या कर रही है ये इस तरह? देखिए मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब हो चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, सबको मैं जानता हूँ पर्सनली। मैं उनसे अपील यही करूँगा कि इस तरह की चीज़ें करने से सिर्फ समाज में कहीं ना कहीं टकराव पैदा होता है। समाज तो आपके लिए है, सरकार आपके लिए है, आपको कोई बात करनी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जिससे बात करना चाहिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस तरह का जो आह्वान देना के और लोगों को इकट्ठा करके और उसको कहने को उत्तेजित करना, मुझे नहीं लगता ये इसकी ज़रूरत है और ये करना चाहिए। सर कानपुर हिंसा को लेकर आपको क्या कहना है, क्योंकि ATF और SIT के सर उसमें जांच रिपोर्ट आ गई है, उसमें उनका कहना यह है कि 1900 द्रव्यों को किराए पर बुलाकर। देखिए मैं आज 8 साल पे इसको मैं इसको भटकाना नहीं चाहता हूँ, देखो ऐसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अपना काम कर ले, जो भी अगर रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के प्रति जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे किसी समुदाय से किसी धर्म में उसकी आस्था हो, अगर उसने क्राइम किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ स्टेटमेंट है कि कोई भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी। सर कांग्रेस की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 सवाल भाजपा से पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा आखिर क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रही है। भाजपा कहाँ छोड़ी, ये तो एजेंसी कर रही है। सुरजेवाला का नहीं, वो कहते भाजपा कहाँ छोड़ रही है, भाजपा तो जीत रही, भाजपा क्या लेना देना राहुल गांधी से, राहुल गांधी के पीछे तो उनके ही G23 तो C23 तो S23 ऐसे लोग पड़े हुए हैं, उनको अपनी चिंता अपने ही परिवार के अंदर करनी चाहिए। तो बहन नहीं चाहती आगे बढ़े, भाई नहीं चाहता बहन बढ़े आगे, माँ नहीं चाहते भाई बेटी बढ़े आगे, माँ चाहते हैं बेटा आगे बढ़े, उनके पार्टी में नहीं चाहता कि कोई राहुल गांधी पड़े, समाज नहीं चाहता कि राहुल गांधी कोई काम करे, तो आप कुछ समझिए कि आप कहाँ, आपकी स्थिति क्या है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।